गुड मॉर्निंग एवरी वन, हाउ यू ऑल आर? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड डूइंग गुड. इन द टूडेज वीडियो वी विल फिनिश द चैप्टर बर्ड्स आवर विंग फ्रेंड्स. इट इज चैप्टर नंबर 3 एंड इन द लास्ट वीडियो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड बर्ड्स, देयर बीक्स, देयर ईटिंग हैबिट्स. एंड इन दिस वीडियो वी विल कवर बर्ड्स नेस्टिंग, देयर माइग्रेशन एंड द टाइप्स ऑफ विंग्स, फेदर्स. ओके, so let's start. So students, in this video firstly I will talk about nesting. What is nesting exactly? Nesting is a process. As you can understand, we people are living in the home and we are living in the house and we are living in the different kind of our house according to our needs. Okay, हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हाउसेज में रहते हैं. इन द सेम वे बर्ड्स लिव इन द हाउसेज अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड दे मेक देयर हाउसेज, दे बिल्ट अप देयर हाउसेज अकॉर्डिंग टू देयर क्लाइमेटिक कंडीशन एंड द मटीरियल विच एवर दे गेट इजिली एट दैट प्लेस. ओके, सो द नेस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ हाउस मेकिंग फॉर द बर्ड्स. सो बर्ड्स builds नेस्ट टू ले एग्स. अब जो बर्ड्स होती हैं वो अपने एग्स कहाँ रखेंगी? डेफिनेटली इफ ए डोंट हैव हाउस, सो वेयर दे प्लेस देयर एग्स. सो वन थिंग इज देयर, दिस इज नेसेसरी फॉर देम टू बिल्ड देयर नेस्ट बिकॉज नेस्ट इज अ हाउस फॉर देम एंड दे फील सेफ देयर, दे हैच देयर एग्स and lot of things over there. They keep themselves safe from other animals and their eggs will be safe also there just because of the house, and their house is called nest. So how they make nest? So they may make nest with the use of lot of material like twine, twigs, घास होती है, घास फूस इधर उधर से जो नए चीजें मिलती हैं लाइक वूल है, कॉटन है, ड्राई ग्रास है, लीव्स है. एंड समटाइम्स दे जॉइंट द लीव्स, दे यूज द वेब ऑफ द वेब थ्रेड ऑफ द स्पाइडर. ओके, एंड इन इंडिया नेस्ट आर यूजली बिल्ट ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन. यानी कि अगर जो इंडिया में जो बर्ड्स होती हैं वो कब अपना घोंसला यानी कि नेस्ट बनाती हैं, वो बनाती हैं फरवरी और मार्च के मिड में, यानी कि एट द टाइम ऑफ स्प्रिंग सीजन. सो वी मे स्पॉट अ स्पैरो. अब हम यहां बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स की. हियर इज अ स्मॉल एक्सरसाइज दैट यू नीड टू डू, अ स्मॉल एक्टिविटी. हियर आई हाईलाइटेड फ्यू बर्ड्स नेम, तो आपको इन्हें अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है. लाइक स्पैरो है, रॉबिन है, पिकॉक है, कुकू है, क्रो है, पिजन एंड पेंगुइन्स हैं. सो यू नीड टू राइट ऑल द बर्ड्स नेम विच इज हाईलाइटेड ऑन दिस पेज एंड यू हैव टू राइट डाउन ऑन द नोटबुक. ओके, सो अगर स्पैरो की बात की जाए, स्पैरो और रॉबिन, सो जब ये है अपना जो नेस्ट बनाते हैं और ये उसमें एग्स ले करते हैं, तो सम बर्ड्स बिल्ट नेस्ट इनसाइड द, तो उसमें क्या है, ये जो नेस्ट बनाते हैं वो ये पेड़ों पर बना सकते हैं, घोंसलों को अपने पेड़ों पर बना सकते हैं. ठीक है, कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो कि अपने जो पीपल होते हैं यानी कि हमारे घर होते हैं, ह्यूमन हाउसेज होते हैं, उनके अंदर भी ये घर बना सकते हैं, जैसे कि स्पैरो है. ओके, और पिकॉक की अगर बात की जाए तो ये लंबी घास के बीच में, जो लॉन्ग टॉल ग्रासेस होती हैं उसके बीच में, अपने ग्राउंड में यानी कि फ्लोर के ऊपर ही अपना नेस्ट जो है वो बिल्ड करता है. ओके, कुकू जो है, कुकू इज अ बर्ड, कोयल, दैट इज वेरी लेजी एंड शी नेवर बॉदर हरसेल्फ टू बिल्ड अ हाउस. वो कभी भी हाउस नहीं बनाती है. कौन? कोयल यानी कुकू. और वो क्या करती है, अपने एग्स को क्रो के नेस्ट में रख देती है बिकॉज क्रो के और कुकू के एग्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, शेप में भी सेम होते हैं और देखने में भी सेम होते हैं. सो दे आर सिमिलर इन द व्यू. सो कुकू डज नॉट बिल्ड हर नेस्ट हर सेल्फ, शी प्लेस्ड हर एग्स इन द क्रोज नेस्ट. ओके, सो शी इज वेरी कनिंग. एंड ऑन द अदर हैंड, वेवर बर्ड और टेलर बर्ड्स होती हैं, वो बहुत ही ब्यूटीफुल नेस्ट फॉर्म करती हैं
ओवेवर बर्ड जो होती है वो नेस्ट जो है उसमें कई रूम्स भी होते हैं, और जो एंट्री होती है वो बॉटम साइड से होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये इस तरह से आपका ये अगर ये नेस्ट है तो इसमें जो एंट्री होगी वो नीचे से होगी, यानी बॉटम साइड से, और इसके अंदर नेस्ट के अंदर कई सारे रूम्स भी होते हैं। अगर पिजन की बात की जाए तो पिजन मेक नेस्ट एवरीवेयर, एनी वेयर ही कैन मेक नेस्ट, इवन ऑन द फैन, फैन के ऊपर भी वो अपने नेस्ट बना लेता है। बट दैट आर नॉट वेरी यूजफुल, बिकॉज वेन एवर वी ऑन द स्विच ऑफ द फैन तो उसका नेस्ट जो है वो नीचे गिर जाता है। लेकिन वो नेस्ट बनाने में बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं हम उसे, बहुत ही ज्यादा परफेक्ट होता है, और वो कहीं पर भी अपना नेस्ट जो है वो फॉर्म कर सकता है। अगर इफ आई टॉक अबाउट द पेंगुइन्स, सो पेंगुइन्स बिल्ड देयर नेस्ट ऑन द ग्राउंड, और वो पेंगुइन्स जो होते हैं वो ज्यादातर कोल्ड एरिया में रहते हैं, बर्फ होती है जहां वहां रहते हैं, आइस एरिया में, तो वहां पर कुछ भी नहीं मिलता है, लाइक ये ट्वाइंस और ये वूल, कॉटन, ड्राई ग्रास कुछ भी नहीं मिलता है वहां पे। तो वो पेबल्स यानी पत्थर, छोटे वाले राउंड शेप के और जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के जो पेबल्स होते हैं उन्हें यूज करके फ्लोर पर, और वहां पर वो इस तरीके से अपना नेस्ट फॉर्म करता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड द नेस्टिंग इजिली, आई थिंक कम्प्लीटली आपको समझ में आ गया होगा। सो नाउ आई एम गोइंग टू चेंज द टॉपिक। अब बर्ड्स जो है उसमें मैं मटेरियल आपको बता दे रही हूँ क्या क्या यूज करती हैं। बर्ड्स यूज करती हैं घास के तिनके, फूस के तिनके, जो मकड़ी का जाला होता है, स्पाइडर का जो वेब होता है उसका जो थ्रेड होता है उसे अलग कर लेती हैं, स्पाइडर के वेब को तोड़ देती हैं, और वेब को तोड़ने के बाद जो ये जो उसमें जो उनकी बात की जाए तो अगर उसमें जो थ्रेड निकलता है, जिस थ्रेड से वो बना होता है, तो उस थ्रेड को यूज करती हैं वो अपने नेस्ट को बनाने के लिए। सो दे यूज देयर बीक्स, वो अपनी चोंच का यूज करती हैं ये सब करने के लिए। वो उसको स्टिच करती हैं, लीव्स को आपस में ऐड करती हैं, मकड़ी का जाला उसके चारों तरफ लपेटती हैं, और बाकी का सारा मटेरियल अंदर की साइड लगा के और उसको चारों तरफ से कवर करके उसे बहुत ही कंफर्टेबल और वार्म बना देती हैं, ताकि एग्स जो है वो बहुत ही सेफली वहां रखे रहें और कोई भी प्रॉब्लम ना आए। नाउ वी आर गोइंग टू द टॉक अबाउट फेदर्स ऑफ बर्ड्स। सो अब मैं एक चीज आपको क्लियर कर दे रही हूँ कि मैं यहाँ फेदर्स के बारे में बता रही हूँ, मैं विंग्स के बारे में नहीं बता रही। विंग्स एंड फेदर बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। फेदर्स क्या होते हैं, पहले मैं विंग्स के बारे में बता देती हूँ। विंग्स होते हैं जो आपकी बॉडी का पार्ट होते हैं, बर्ड्स की बॉडी का एक पार्ट होते हैं। जैसे कि इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मेरे बॉडी में हैंड्स हैं, लेग्स हैं, दीज आर माई बॉडी पार्ट्स। तो उसी तरीके से बर्ड के जो विंग्स होते हैं वो उसके बॉडी पार्ट्स होते हैं, और फेदर जो होते हैं वो उसकी बॉडी के ऊपर अलग से होते हैं, जो उसकी बॉडी को कवर करते हैं और उसकी जो नेचुरल स्किन होती है उसे कवर कर देते हैं पूरी तरीके से, तो वो फेदर्स होते हैं। सो फेदर्स आर यूनिक फीचर ऑफ बर्ड्स, वो बर्ड्स का एक बहुत ही यूनिक फीचर होता है, एंड दे कीप द वर्ड्स वार्म। और आपको पता होगा लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, आई टोल्ड यू दिस थिंग अर्लियर, दैट बर्ड फ्लाई हाई इन द स्काई, सो दे नीड टू कीप देम सेल्फ वार्म, बिकॉज ऊपर का एरिया जो होता है वो बहुत ज्यादा कोल्ड होता है, ठंडा होता है, तो उस वजह से उन्हें अपने आप को बहुत ही ज्यादा वार्म रखने की जरूरत होती है, इसलिए वो बहुत ज्यादा खाना खाते हैं। और उनके फेदर्स भी बिल्कुल इस तरह के होते हैं कि वो उन्हें स्ट्रांग होते हैं, वो बहुत ज्यादा उनको कवर करके रखते हैं, उन्हें वार्म करके रखते हैं, और बहुत ही लाइट वेट होते हैं, उनको उसका वेट बिल्कुल भी नहीं लगता है। ऑल राइट, सो फेदर्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन इज बॉडी फेदर्स। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फेदर इन बर्ड्स बॉडी। बॉडी फेदर्स आर द फेदर्स विच कवर द बॉडी कंप्लीटली एंड गिव कर्व्ड शेप टू द बॉडी ऑफ बर्ड। जो बॉडी फेदर्स होते हैं वो फेदर्स कंप्लीटली बॉडी को कवर करते हैं और उसे एक कर्व्ड शेप प्रोवाइड करते हैं। नाउ डाउन फेदर्स आर द फेदर्स आर नेक्स्ट टू द बर्ड्स स्किन। तो जो फेदर बर्ड की स्किन के तुरंत बाद होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बर्ड है ये, और बर्ड की स्किन, फॉर एग्जाम्पल आपके हैंड है और अगर उन हैंड पे कुछ कुछ हेयर्स हैं, तो वो आपकी आपके जो स्किन है उसके जस्ट बाद वही हेयर्स होते हैं। तो अगर मैं यहां बात करूं कि डाउन फेदर्स जो होते हैं वो बर्ड्स की बॉडी के तुरंत स्किन के तुरंत ऊपर लगे हुए होते हैं, वो फेदर होते हैं डाउन फेदर्स। ये इन इन फेदर्स का फंक्शन क्या होता है, ये बर्ड की बॉडी को बहुत ज्यादा वार्म रखते हैं
और उसके बाद ही बॉडी फेदर्स आते हैं, ठीक है। यानी कि पहले बर्ड की बॉडी होगी, उसकी स्किन होगी, उसके बाद डाउन फेदर होंगे, उसके बाद बॉडी फेदर्स होंगे। तो जो बॉडी फेदर होंगे वो उसे कर्व शेप प्रोवाइड करेंगे, डाउन फेदर्स होंगे वो उसको सेफ करेंगे कूल कंडीशंस से और बाकी सारी चीजों से, क्लाइमेटिक कंडीशन से उसको सेफ करेंगे। ओके, नाउ फ्लाइट फेदर्स के बारे में बात करते हैं। फ्लाइट फेदर्स आर द फेदर्स विच फाउंड ऑन द विंग्स एंड टेल। अब बात करते हैं फ्लाइट फेदर के जो होते हैं वो उसकी टेल पर होते हैं, तो यानी कि बर्ड के टेल पे जो फेदर हैं वो फ्लाइट फेदर कहलाएंगे। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वेयर यू फाउंड द फ्लाइट फेदर ऑन द बर्ड्स बॉडी, सो योर आंसर विल बी ऑन द टेल और विंग्स। ओके, तो इन फेदर्स का फंक्शन ये होता है कि दे आर वेरी स्ट्रांग एंड दे हेल्प बर्ड टू चेंज इट्स डायरेक्शन। तो वो बर्ड को हेल्प करते हैं डायरेक्शन को चेंज करने में। जब भी बर्ड फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रेट जा रही है, स्ट्रेट जाने के बाद उसे राइट साइड पर अगर मूव करना है तो वो कैसे करेगी, उसके टेल पे जो विंग्स जो फेदर्स हैं वो उसकी हेल्प करेंगे डायरेक्शन को बदलने में। ओके, सो हाउ बर्ड्स केयर फॉर देयर फेदर्स। अगर हम होते हैं, अगर ह्यूमन बींग है, तो हाउ वी केयर अवर बॉडी। वी केयर आवर बॉडी बाय ऑयलिंग अवर हेयर एंड शैम्पू करते हैं हम लोग, एंड वी टेक बाथ ऑन द डेली बेसिस, वी क्लीन आवर बॉडी, है ना, वी पे प्लेस क्रीम एंड ऑल। ओके, सो वी टेक केयर ऑफ आवर बॉडी कंप्लीटली, सो दे ऑल्सो नीड टू केयर फॉर देयर बॉडी। सो वो किस तरह से पॉसिबल होता है, बिकॉज दे हैव ऑयल ग्लैंड्स, उनके ऑयल ग्लैंड्स होती हैं बर्ड्स के। अब वो कहाँ होती हैं, वो उनके टेल के ऊपर होती हैं, टेल का जो बेस होता है उसके नीचे वो ऑयल ग्लैंड्स होती हैं। और ऑयल ग्लैंड्स का काम, ऑयल ग्लैंड्स जो होती हैं, ऑयल ग्लैंड्स का काम होता है कि वहां पर बर्ड जो है वो अपनी बीक जो है प्लेस करती है और वहां से ऑयल लेती है और फिर उसके बाद वो अपने सारे फेदर्स पर उसे रब करती है। ओके, सो दिस बर्ड जो है वो ब्रश टाइप का उसे करती है अपने सारे फेदर्स पर, बॉडी फेदर्स पर। मीन्स जो टेल साइड पर उसका ऑयल ग्लैंड है वहां से वो अपनी बीक में ऑयल लेती है, उसके बाद अपने फेदर्स पर वो उसको प्लेस करती है, ब्रश करती है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रीनिंग। ओके, प्रीनिंग, प्रीनिंग का मीनिंग होता है बर्ड का ऑयल ग्लैंड को, ऑयल ग्लैंड का यूज करके और ऑयल ग्लैंड से अपनी बीक में ऑयल लेकर और अपनी जो फेदर्स हैं उसे प्रॉपर शेप में लाना और उसे ब्रश करना। ओके, सो इससे क्या होता है कि उसके फेदर्स जो होते हैं वो ड्राई रहते हैं, इवन इन द रेन और इन द वॉटर कंडीशंस वो अपने वेदर्स को ड्राई रख पाती है और भीगने के बाद भी वो उड़ पाती है, ठीक है। अब बात करते हैं माइग्रेशन की। व्हेन वेदर इज टू कोल्ड इन द सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, बर्ड्स फ्रॉम दोज पार्ट फ्लाई टू द वार्मर प्लेस। अब देखिए, हम इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ एंड योर सेल्फ, जब विंटर सीजन आता है तो हम क्या करते हैं, हम कुछ स्पेशल चीजें करते हैं, हम स्पेशल तैयारियां करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं अपने लिए, जैसे कि हम ब्लैंकेट बाहर निकाल लेते हैं और एसी को ऑफ कर दिया जाता है, फैन ऑफ कर दिए जाते हैं, वार्म क्लॉथ्स को हम बाहर निकाल लेते हैं अगर हम वो बॉक्स में कहीं रखे होते हैं। ओके, और हम उनको पहनना स्टार्ट कर देते हैं, हमारी फूडिंग हैबिट भी चेंज हो जाती है, हम कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, इस तरह की जो चीजें होती है उन्हें खाना बंद कर देते हैं। तो ये हमारा एक तरीका है, ये हमारी एक प्रिपरेशन है। तो इसी तरह बर्ड की एक प्रिपरेशन होती है वेदर कंडीशंस से निपटने की। तो जब कोल्ड वेदर स्टार्ट होता है कंट्रीज में, तो बर्ड्स जो हैं वो उन्हें फेस नहीं कर सकती, तो इस कंडीशन में वो क्या करती हैं, किसी ऐसे प्लेस पर माइग्रेट कर जाती हैं जहां पर वो इजीली सरवाइव कर पाएं और उन्हें इतनी ठंड ना लगे। तो अपने इस प्रोसेस में सम टाइम दे फ्लाई थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, ओके, टू रीच द वार्मर कंट्रीज, एंड यूजुअली दे फ्लाई इन द फ्लॉक्स, सॉरी, दे फ्लाई इन द ग्रुप्स। तो वो क्या करते हैं, ग्रुप्स में फ्लाई करती हैं, यानी एक साथ बहुत सारी बर्ड्स जो हैं वो जाती हैं। सो दीज प्रोसेस इज कॉल्ड माइग्रेशन। ये क्या कहलाता है, माइग्रेशन कहलाता है, बर्ड्स का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना सर्वाइव करने के लिए, बिकॉज इन द प्रेजेंट प्लेस दे कांट सर्वाइव ड्यू टू द क्लाइमेटिक कंडीशन। ओके, एंड यूजली दिस हैपन इन द विंटर सीजन, एंड दीज बर्ड्स आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स। This process is called migration, and these kinds of birds are called migratory birds. And wings and feathers में आपको difference मैंने बता दिया है, preening I already told you. Okay, now we have come to the. So student, this is the summary of the chapter.
द फर्स्ट वन टॉपिक इज देयर आर डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बर्ड्स अराउंड अस. ओके, एज आई टोल्ड यू एंड शो यू इन द प्रीवियस वीडियो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स. सो द टॉपिक वॉन्ट्स टू से, द सेंटेंस वॉन्ट्स टू से दैट बर्ड्स आर ऑफ मैनी टाइप्स. ओके, द सेकेंड वन इज फेदर्स एंड विंग्स एंड बीक्स आर सम यूनिक फीचर्स ऑफ बर्ड्स. ओके, बिकॉज बर्ड्स के पास ये थ्री फीचर्स होते हैं और ये उनके यूनिक फीचर होते हैं जो कि बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं और उन बर्ड्स को स्पेशल बनाते हैं. नेक्स्ट वन इज बर्ड बिल्ड वेरियस काइंड्स ऑफ नेस्ट टू ले एग्स. ओके, अपने एग्स को पुट करने के लिए बर्ड्स डिफरेंट काइंड के अलग अलग तरह के नेस्ट यानी घोंसले बनाया करती हैं. ओके, और उसमें वो मटेरियल भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का यूज करती हैं, विच इज जनरली अवेलेबल अराउंड देम. ओके, फोर्थ वन इज देयर थ्री टाइप्स ऑफ फेदर्स बर्ड हैज. फर्स्ट वन इज फ्लाइट फेदर्स, सेकेंड वन डाउन फेदर्स एंड थर्ड वन इज बॉडी फेदर्स. ओके, द फिफ्थ टॉपिक इज इन विंटर्स सम बर्ड्स फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंसेस लाइक थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स टू एस्केप फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेट. इन समर दे गो बैक देयर होम्स. दिस सीजनल मूवमेंट इज कॉल्ड माइग्रेशन. यानी कि बर्ड्स जो होते हैं वो विंटर सीजन में अपना प्रॉपर प्लेस जहां वो एक्चुअली में रहती हैं उसे छोड़कर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर किसी दूसरी कंट्री में भी जा सकती हैं और जाती हैं, जहां पर उन्हें अपने बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एटमोस्फेयर और क्लाइमेट मिले. ओके, और जब वहां पर विंटर सीजन उनकी कंट्री में फिनिश हो जाता है तो वो वापस अपनी कंट्री में चली जाती हैं. ओके, तो दिस सीजनल मूवमेंट इज कॉल्ड माइग्रेशन एंड दिस काइंड ऑफ बर्ड्स आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड होल टॉपिक क्लियरली. द चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू एक्सरसाइज. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.